शीदी कौन है ये मालूम है? नहीं. अच्छा, मंगोपीर सुना है? मगरमच्छों के बारे में सुना है कि मंगोपीर भी है? सुना है जी. ठीक है, तो मैं ये जो प्रेजेंटेशन है मेरी, ये मंगोपीर में हर साल एक मेला होता है, तो उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ. ठीक है, और ये शिवी मेला भी कहलाता है. और क्यों कहलाता है? क्योंकि शिवी कम्युनिटी जो है वो पूरी बिरादरी एंड ऑल्सो अदर्स दे अटेंड इट एवरी ईयर. ओके, दे आर वेरी दे रिस्पेक्ट द पर्सन हु इज बेरिड इन द श्राइन, जो मजार है यहाँ पर, एंड फॉर हिम दे हैव दिस मेला. तो उनका जो उर्स होता है उस जमाने में, फिर ये मेला होता है. ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की टेरेन है मंगोपीर की, एरिड और कम वहां पर दरख्त हैं, पहाड़ियां हैं. ठीक है, सो लेट्स सी. और यू नो दीज ग्रेव्स, डू दे रिमाइंड यू ऑफ सम अदर ग्रेव्स यू मे हैव सीन समवेयर? मकली, क्लोजर टू कराची समवेयर? वे नो, डोंट गो एज फार एज मकली, बट क्लोजर टू कराची, चौखंडी. दैट्स राइट, यू माइट हैव बीन देयर एंड सीन दीज, राइट? ओके, सो यू ऑल्सो फाइंड दीज हियर इन मंगोपीर. दिस इज द श्राइन, ऑल राइट, एंड दिस इज द श्राइन ऑफ मंगोपीर, बट लेट्स कम टू इट अ लिटिल लेटर. यू सी, ओप्स, हाँ, ये अंदर का मंजर है. ओके, सो यू वांट टू कम एंड सिट हियर? नो, द स्टूडेंट्स लीव दैट स्टेयर. यस, हाँ, यहाँ बैठ जाए आप लोग सब, सामने यहाँ आ जाए. ठीक है ना? ओके, सो ऑल राइट, सो अबाउट अबाउट द शिवीज, दे आई मीन इट इज बिलीव्ड, द फिगर्स माइट नॉट बी टू करेक्ट, बट इट इज बिलीव्ड दैट देर आर अबाउट 50,000 ऑफ देम इन Pakistan. Now they are their ancestors came from Africa. ठीक है ना? तो आमतौर पे जो अफ्रीका के लोग हैं उनको या तो हबशी कहा जाता है, क्योंकि हबशा से आए हुए, या तो ये लाए गए थे यहाँ अंग्रेजों के जमाने में टू वर्क एज यू नो एज मे बी स्लेव्स और लेबरर्स, या उनको लाया गया था. और ये लोग ये जो शीदी विलेज है, ये जो पहले मैंने आपको जगह दिखाई, दैट वाज अलॉटेड बाय द गवर्नमेंट इन 1996 टू द शीदी कम्युनिटी. सो देर आर पीपल हु आर लिविंग देयर परमानेंटली, बट नॉट टू मेनी. Most of them then come, they travel from elsewhere, of course from other places in Karachi. And where do you think they mostly live in Karachi? Any guesses? Yari. Yari, that's right, they do. And also from other places, मतलब सिंध के दूसरे शहरों से भी आते हैं, जहां जहां पर बसते हैं. सिंधी भी आते हैं, बलोच भी आते हैं, शीदी भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है ये शीदी मेला ही माना जाता है.
तो ये लोग आते हैं और बहुत ही मतलब ये देखिए ये जो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी थी ये और मैंने इनसे इजाजत लेकर इजाजत लेके मैंने उनकी बहुत सारी तस्वीरें ली थी बिकॉज यू नो आई जस्ट थॉट शी वाज ब्यूटीफुल. ये बच्चे हैं ठीक ये देखिए मेहंदी देख रहे हैं आप और ये यू नो देयर मेकशिफ्ट होम्स भी है मेकशिफ्ट भी है कैंप भी करते हैं लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि वो 1996 में इनको जगह अलॉट हुई तो वहां वो शीदी विलेज बन गया है एक और वहां लोग बाकायदा रहते हैं. अच्छा अब ये जो मेला है उसमें म्यूजिक प्लेज अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ द फेस्टिविटीज ओके एंड दे स्टार्ट टू प्ले द ड्रम्स एंड यू नो राइट अर्ली इन द मॉर्निंग देर इज ऑल्सो अ रिचुअल ऑफ सेक्रीफाइसिंग अ गोट ओके and I'll tell you later on what happens to the goat to the meat and so they start playing the music. ye aap dekh rahe hain ye khawateen jo hain ye bhi apna mukhtalif instruments bajate hain gaate hain ye log aur aage dekhte hain. acha inka naam hai zarina aur ye bhi liari mein rehti hain और इन्होंने ये कहानी इन्होंने भी बताई लेकिन जाहिर है मैंने और भी लोगों से सुनी रिसर्च की पढ़ा इसके बारे में. खुद मैं कई बार मंगोपीर जा चुकी हूँ और मेले में भी 3 बार जा चुकी हूँ मगर ये काम जो मैं इस वक्त जो तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ एक किताब में लिख रही थी मुख्तलिफ कम्युनिटीज पे कराची की तो उसके सिलसिले में मैंने जाके और बाकायदा सबसे मिलके और पूछा और तस्वीरें ली. तो हाँ तो जरीना की जबानी सुनते हुए उसने बताया कि ये जो मंगू रसा एक वो था डाकू कह लें ओके मंगू रसा नाम था उसका एंड ही यूज टू रॉब पीपल whoever used to pass from this place he used to rob them and that was what he did. now aapne baba farid ka naam suna kahan hai unka shrine kisi ko malum paak patan bilkul sahi gaye aap gaye bachpan mein gaye theek hai to wo bahut mane jane jate hain hai na sufi saint hain. So once he was passing from this place because he was going for Hajj and remember in those times we are talking about the 12th century okay we are talking about the 12th century so once when he was going zahir hai wo qafle jaate the akele to koi nahi himmat karta tha itni dur jane ke liye aur kai mahine lagte the aur fir wahan rehte the wapas aate the so once when he was passing from here what happened was that of course I mean for mango this was what he did so he looted him and that encounter with baba farid left a deep mark on him. उनका जो बर्ताव उनका रवैया उनकी बातें उनका जो भी कुछ था दिस मैन वॉज जस्ट सो इम्प्रेस्ड बाय हिम दैट ही डिसाइडेड टू मेंड हिज वेज. ठीक है तो ये तो चले गए हज पर लेकिन इन द मीन वाइल ये बदल गए और बहुत बदल गए. तो ये कुछ साल के बाद वापस जब आए और उन्होंने देखा कि वो मिला उनसे और बताया कि मैं वही हूँ शख्स जिसने आपके कारवां को लूटा था तो बाबा उससे वो भी बहुत मुतासर हुए और उन्होंने हजरत सखी सुल्तान बाबा का लकब दिया मंगो को और
वो हजरत सती सुल्तान बाबा शायद इतना लोगों को नहीं मालूम जितना मंगो पीर है ना, और जगह का नाम भी उन्हीं के नाम से, क्योंकि वो भी पीर बन गए, ठीक है, तो उनके नाम से फिर इस जगह का नाम हो गया। जरा तस्वीरें आप देखते हैं, ये वो जो कुछ पुरानी एचिंग्स हैं, प्रिंट्स हैं, जिनसे इस जगह के बारे में जो आप लोग देख रहे हैं, आर्ट स्टूडेंट्स हैं आप सारे, तो आपको पता है कि किस तरह डॉक्यूमेंट होता था, इसी तरह ना, वो तो क्या कहते हैं, कैमरे तो नहीं ईजाद हुए थे, तो लोग इस तरह बना के, और तो ये है वो तालाब, इसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, तो होता ये है कि ये लोग इस तरह मुख्तलिफ तरीकों से वहां पहुंचते हैं, दूर है तो मुख्तलिफ तरीकों से पहुंचते हैं, सुजुकी करते हैं, और बिरयानी की देग भी उसमें होती है, शरबत, ये वो, हलवे, जो भी चीजें ला सकते हैं घरों से अपने बना के, क्योंकि ये जब यहाँ आते हैं, जो लोग यहाँ रहते नहीं है मंगोपीर में, वो जो आते हैं तो वो कभी कोई 3 रात रहता है, कोई 5 रातें, कोई 14 रातें, जितना जिसकी मर्जी होती है वहां पर ठहरते हैं। ये देखें, देगे भी आप देख रहे हैं, सही, ये कुछ रंग काफी बदल गए हैं अभी ये प्रोजेक्ट करने में, मगर बहरहाल ये आपको अंदाजा हो रहा है। तो मैंने आपको बताया ना कि म्यूजिक इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ दिस फेस्टिविटी, and these drums, the men start to play the drum, other musical instruments, and they sing. इसको मगरमान कहते हैं, ये जो बड़ा सा ढोल है उसको ये मगरमान कहते हैं, और इसको यानी सुबह से ये बजना शुरू हो जाता है और शाम तक, सनसेट तक, और आप देख रहे हैं कई 100 लोग जमा होते हैं, आते जाते हैं, और ये उसके बाद फिर काफले की सूरत में सब, यानी वहाँ जो जो मज़ार है उसके आसपास से, वहाँ से शुरू होता है, और ये पहाड़ी है, और नीचे आते हैं जहाँ पर वो तालाब मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, उस तालाब के पास आते हैं। ये देखिए, ये गाना हो रहा है, और ये एक मुझे नहीं मालूम, मैंने चक के नहीं देखा था, लेकिन मुझे यकीन है कि कुछ इंटॉक्सिकेट करने के लिए कोई ऐसी चीज, ये लोग ऐसा ड्रिंक कुछ पीते हैं जिससे आप समझिए कि उनके अंदर जान पड़ जाती है, हाल आता है, और जो भी मतलब अपने मगन ये लोग घूमते हैं। और ये देखें, ठीक है, ये बच्चियां आप देख रहे हैं, दे हैव स्वीट मीट्स, दे हैव अदर स्टफ ऑन देयर हेड्स, कैन यू सी देम इन द एट द बॉटम, ओके, सो दे आर ऑल मूविंग टुगेदर विद दैट यू नो दोज हंड्रेड्स ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू द पॉन्ड हियर। ये किसके लिए ले जा रहे हैं आपके ख्याल में, ये सब खाने पीने की चीजें किसके लिए ले जा रहे हैं? यस, फॉर द क्रोकोडाइल्स, दैट्स राइट, दे आर टेकिंग ऑल द ईट्स फॉर द क्रोकोडाइल्स, ओके, देयर यू गो, यू गेट काइंड ऑफ अ गुड यू नो सेंस ऑफ हाउ मेनी पीपल एंड व्हाट्स हैपनिंग, वेयर द श्राइन इज and where the pond is. Okay, now let me tell you what my talk with this other lady, you know, what she said about it. तो ये तो मैंने आपको बताया कि वो ट्रांस, और हाँ एक जो जरूरी बात, you know, it, this is a very important festival for the community because they connect with their African roots. Okay, ये जो ढोल है बड़ा,
और जिस तरीके से ये बजाते हैं, और उसके अलावा जो गाने ये गाते हैं उसके अंदर भी बाज़ अल्फाज स्वाहिली के हैं या जो अफ्रीकन जुबानें जो अब वो भूल चुके हैं, ठीक है ना, उनके एंसेस्टर्स वो तो बोलते होंगे वो जुबानें अफ्रीका की जब यहाँ लाए गए वो, बट यू नो नाउ ऑफ कोर्स दे हैव बीन दोज लैंग्वेजेस हैव बीन फॉरगॉटन बट सम वर्ड्स हैव स्टिल स्टक ऑन इन देयर, होता है ना कि फोकलोर होता है या फोक जो गाने होते हैं उसमें बाज ऐसे अल्फाज होते हैं आप भी सुनते होंगे मुख्तलिफ के नहीं समझ में आते लेकिन दे कंटिन्यू एंड दैट्स द पावर ऑफ म्यूजिक फॉर यू. ओके सो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट दिस वुमन आई मेट अल्लाह बचाई. She's a Makrani woman and she lives in Baldia and I met her at her home and she said that you know some of these pilgrims who come in the already in the bhoot सवार होते हैं, जिनों का कब्जा होता है, ठीक है. अब देखें हो सकता है, मुझे नहीं पता, आप में से कुछ लोग इस पे एतकाद रखते हों, मैं तो नहीं रखती कि जिन के भूत होते हैं या इंसानों पे चढ़ जाते हैं, लेकिन बहरहाल इनका बहुत ज्यादा वो एतकाद है कि यहाँ जो लोग आते हैं और वो यू नो शी सेड एंड दे स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, देयर वॉइस चेंजेस and all this is explainable by modern medicine and you know I think it's but you can't say that to them, so of course you have to agree ke ha inke upar भूत जिन आते हैं. और वो फिर मुझे बता रही थी कि उनको उनके बॉडी के ऊपर कुछ ऐसी चीजें उनको जलाया भी जाता है और ताकि वो जो है जिन जो है उनके जिस्म को छोड़ दे और चला जाए. फिर वो कहने लगी मुझे कि मगर पता क्या होता है कि वहां जाने से कुछ और जिन कुछ और लोगों पे चढ़ जाते हैं, ठीक है, उनको छोड़ के जिन पे ऑलरेडी होते हैं वो कुछ और पे चढ़ जाते हैं. और फिर उन्होंने कहा कि देन देयर इज साहिद्रूस, साहिद्रूस इज अ पीर हु इज एक्चुअली फ्रॉम इंडिया बट हिज ठिकाना इज राइट हियर इन मंगोपीर. देयर इज ऑल्सो माई मित्रा हु इज नाइदर अ हिंदू नॉर अ मुस्लिम बट शी इज वेरी पावरफुल. सो लेट्स सी, ये जो झाड़ू नुमा चीज आप देख रहे हैं ना, ये फिर पुट माई पेपर्स अवे, ये जो है इससे भी ये झाड़ते हैं जिनों को, ठीक है, जिसके ऊपर जिन होता है तो वो समझते हैं कि ये आप देख रहे हैं मोर के या दूसरे परिंदों के पर हैं, उससे ये झाड़ते हैं. और मुझे फिर इन्होंने अल्लाह बचाई ने बताया कि ये जो लाल रंग का ये रुमाल है मर्द ये आमतौर पे बांधते हैं अपने सरों पर. It's really quite unique, don't you think? You don't really get to see this. हमारे जो दूसरे त्योहार होते हैं या उर्स वगैरह में मजारों पे धमाल होता है, but this is something quite different. There you go. Okay. Now these girls, I told you they were carrying food, and yes, you said it is for the crocodiles, which is right. And you see that now, ये हज़रत बाबा फरीद गंज शकर का भी उर्स मनाते हैं. ये बच्चियां जो हैं हाथों पे मेहंदी लगी होती है, तो बहुत सारा एहतमाम होता है, सारी जो तैयारी होती है इनकी. और ये वही पॉइंट है, और आप मगरमच्छ देख रहे हैं, कैन यू सी द क्रोकोडाइल्स जस्ट अबाउट द वॉटर, स्लाइटली अबाउट द वॉटर, हियर हियर हियर, दीज आर ऑल
the head speaking out from the water. ये अच्छा एक इनमें से जो है ना वो है the king crocodile, Raja Sahab. All right, and he is treated obviously बहुत preferential treatment उनके लिए होता है. So the goat that was killed in the morning, just before sunset, they feed the head of the goat to the king crocodile. Not only that, he is also garlanded. हार पहनाया जाता है एंड दे पुट अ रेड तिलक ऑन हिज फोरहेड. ओके सो दे एक्चुअली गो देयर. देयर आर सम मेन हु डू दैट एंड मे बी द क्रोकोडाइल्स ऑलरेडी नो देम बिकॉज यू नो दे आर फेड बाय दीज पीपल. नाउ आई रिमेंबर दैट मेनी मेनी इयर्स अगो द नंबर हैड रियली ड्विंडल्ड. बहुत कम रह गए थे. बट द लास्ट टाइम आई वेंट देवर दे सेड देवर अबाउट मे बी ओवर 100 ऑफ देम. द पॉन्ड इज नॉट दैट लार्ज टू अकोमोडेट 100 क्रोकोडाइल्स बट नेवरदलेस. अच्छा इसकी भी बड़ी मजेदार एक वो है कहानी. वो ये बिलीव करते हैं जो मानने वाले हैं सारे वो ये बिलीव करते हैं कि ये बाबा के बालों की जुएं थी. द लाइस फ्रॉम द हेयर ऑफ द सेंट दैट फेल इन टू द वॉटर एंड बिकेम क्रोकोडाइल्स. सबीना यू लिसनिंग? यस. सो so that is the belief that that's what happened, that you know they became crocodiles and that is why they revered the crocodiles that much. Okay, aise hi ke unko itna paal rahe hain aur unko khila bhi rahe hain and you know they are treated like this, but because they believe that they came from the lice in his hair. Any questions? Yes. आपने सब अपने experience share किया what changed inside me? After hearing the stories and the beliefs. Oh, what changed was that first of all I realized that there is so much to be learned about people in my own city where I was born. In Karachi, but I didn't know so many things about people, about the different communities that I, you know, interacted with. I went to their homes, and I also attended. If I did a story about a Hindu family, I attended Diwali. I have attended Diwalis before, but you know. Doing it for this purpose to document, so I think you learn a lot. And it opens up your mind. The more you get exposure, the more diversity you see around you. It just helps you to realize that there is so much richness in this diversity. If we were all similar, looking the same, following the same, whether it was the faith or the rituals or customs, traditions, I think the world would have been a very boring place. So it has this much of a diversity from people from, you know, everywhere in Pakistan, they come and live here. Also people who did not belong to Pakistan before, they live here. There are so many different languages being spoken. मुझे ये भी पता करना था कि लोग जब खास खास त्यौहार होते हैं उनके यहाँ, किसी की शादी होती है, बर्थ होती है, किसी का इंतकाल होता है, वो तो मतलब त्यौहार नहीं लेकिन यानी एक बहुत ही अहम एक चीज या कुछ और, तो उस पर क्या खाने पकते हैं, क्योंकि वो भी एक हमारे उसका जुज है ना कि आप क्या सर्व करते हैं, क्या पकाते हैं. तो ये सब जानने के लिए और सबसे मिलके, सबके घरों में जाके, सबसे बात करके, there were over 60 stories in that book that I was writing. So you know, I think I learned a lot and that helped me become probably a better person. Does that answer you? Yeah.
Yes, okay. Any others? Okay. No? Okay. Thank you very much, Rumana. Thank you. Thank you, everyone. It's a wonderful show. Acha, I'm a journalist. I work for Dawn newspaper, not the TV channel. I write on culture, art, literature, etc. Bekar cheezon ke baare mein. And but I also dabble in creative writing. I'm a poet, or I'd like to think I'm a poet. I write short stories, etc., etc. But I never wanted to publish them. Big story. But let's drop that. But what happened is a couple of years back, in 2015, right, to be precise, I was admitted to a hospital, and they were looking for cancer in my bladder. Luckily, I came out of it unscathed, and nothing happened. It was just a stone that they took out during the procedure. At that moment, I decided, "Yaar, ye to aise hi mar gaya, to kya ho jayega?" So, maine socha ki jo kuch bhi main likhta hoon, I should publish it for those who love me, for my loved ones, for my children, for my friends, for my gurus, etc. Jo kuch bhi main likhta hoon. So at that point in time, I decided I should publish it. So in 2017, I published a collection of my English poems. And last year in December, I published the first collection of my Urdu poems. So main aapko bore karunga apni shayari se. Would you like to English sunna chahenge Urdu pehle? Urdu? Okay. So, this book was launched on 14th of December last year, my birthday. And it was also launched at the other festival, the inaugural other festival, which was held at the governor's house. So I'm going to recite a couple of poems. So, aap shauk hai shayari se aap logon ko? Padhte hain aap log? Nahi? Achha. Sorry. Okay. But I'm going to recite from it. Then later on I can do it. Okay. So now, achha, chuke yahan young log baithe hain. So the first one is called Ladki Dekhi Bhali Thi. There's a reference to a Canadian film director. His name is David Cronenberg. Aap log uski film mein nahi dekhi hogi, it doesn't matter. So, हाथ में क्रोनबर्ग की फिल्म आंखें चश्मे के पीछे गालों पर हल्का सा रंग रंग के अंदर एक गढ़ा होंठों पर मीठी सी नमी बालों में एक फूल टिका फूल में खुशबू ख्वाहिश की हाथ में क्रोनबर्ग की फिल्म आंखें चश्मे के पीछे गालों पर हल्का सा रंग रंग के अंदर एक गढ़ा होंठों पर मीठी सी नमी बालों में एक फूल टिका फूल में खुशबू ख्वाहिश की लड़की देखी भाली थी और मैं बदला बदला सा कुछ मांदा कुछ गदला सा थैंक यू एक ये आई डोंट नो इफ आई शुड बी साइलिंग दिस पोएम क्योंकि ये इज अ लिटिल सेंसिटिव अ फ्यू इयर्स बैक हो ये रहा था पाकिस्तान कराची में काफी लोगों को मारा जा रहा था अ पर्टिकुलर ग्रुप यानी लेट्स शिया कम्युनिटी के बहुत से लोगों को मारा जा रहा था सो एक शायर है थे हमारे यहाँ लेजेंडरी मीर तकी मीर सो वो शिया थे तो मैंने उनको मेटाफर बनाकर उस उन वो जो बहुत सारे लोगों को मारा जा रहा था तो मैंने एक नज्म लिखी है उसमें ठीक शहर में वक्त सहर लाश मिली है उसकी जिसने कल रात सजी महफिले याराना में मीर को उर्दू का मोहसिन माना उसके शेरों को सभी शेरों से अच्छा जाना मीर बस मीर को मौलाए सुखन पहचाना शहर में वक्त सहर लाश मिली है उसकी जिसने कल रात सजी महफिले याराना में मीर को उर्दू का मोहसिन माना उसके शेरों को सभी शेरों से अच्छा जाना मीर बस मीर को मौलाए सुखन पहचाना लाश उसकी किसी बेवजन से मिसरे की तरह एक पत्थर की इमारत के कहीं कोने में सुबह होते ही बआसानी दिखाई दी है उसके माथे पे किसी जंग जदा खंजर से फकत एक लफ्ज बहुत ध्यान से लिखा गया है काफिर सी So basically what happens is, you see,
Poetry is all about rhythm. So Urdu mein kehte hain aahang. So as long as a certain arrangement of words is in rhythm, that's poetry. Usme aap rhyming bhi use kar sakte hain, usme aap baghair rhyming ki bhi, that's called free verse, usme aap baghair rhyming ki cheezein use kar sakte hain. Jab tak ke rhythm ka sense hai usme, to wo shayari ban jati hai. Jab main baat kar raha hu usme rhythm nahi hai to ye prose hai. Lekin agar isme rhyming ya rhythm hoga to wo poetry ban jayegi. Okay. हाँ थोड़ा सा मूड लाइट करते हैं. आपने देखा होगा फेसबुक और ट्विटर वगैरह पे हर आदमी इंटेलेक्चुअल है. एवरीबडी हैज एन ओपिनियन, है ना. हर आदमी की हर चीज के बारे में राय है. तो इस बारे में मैंने एक छोटी सी नज़्म लिखी थी. चंद गधे और इतनी किताबें, चंद गधे और इतनी किताबें, कब तक बोझ को ढोते जाएं, कोई हो जो इनकी खातिर, दरिया बुर्द किताबें कर दे और गधे बस चैन से बैठे बीन बजाएं चारा खाएं. यू लाइक इट? भाई साहब, मैंने ये नज़्म कराची लिटरेचर फेस्टिवल के मुशायरे में सबके सामने पढ़ी थी, जहां किताबें वाली थी सारे. ओके. एक देयर वाज दिस फेमस पैलेस्टीनियन पोएट. His name was Mahmud Darwish. I don't know if you guys have read his stuff. He wrote about the situation in Palestine. Abhi kuch din pehle, ek do saal pehle unka intiqal hua. So Mahmud Darwish wrote a lot about identity, passport, identity card, etc., etc. The kind of issues that Palestinian people face. To usse mutasir hoke do nazme hain Mahmud Darwish ke liye, main ek sunata hoon. These are free words. Mahmud Darwish. मरते मरते भी तो लोग थक जाते होंगे, डर जाते होंगे. महमूद दरवेश, तुम थकते नहीं गए. मरते मरते भी तो लोग थक जाते होंगे, डर जाते होंगे. महमूद दरवेश, तुम थकते नहीं गए. तुम्हारा शनाख्ती कार्ड तो तुम्हारे पास है ना. कब्र में मुट्ठी में दबा, सख्ती से मुट्ठी में दबा, जिस मुट्ठी ने कलम को एजाज बख्शे, राज बख्शे, कब्र में मुट्ठी ना खोल देना. सो द अदर वन इज इट्स आल्सो कॉल्ड महमूद दरवेश. तुम्हारा पासपोर्ट कब्र के बाएं तरफ, मिट्टी के दिए से जरा आगे, एक इंजीर नुमा थैली में लिपटा तेज हवा का मुंतजर है. तुम्हारा पासपोर्ट कब्र के बाएं तरफ, मिट्टी के दिए से जरा आगे, एक इंजीर नुमा थैली में लिपटा तेज हवा का मुंतजर है. हवा चले तो दिया बुझे तो पासपोर्ट तुम्हारी कब्र से दूर, बहुत दूर, अपनी कब्र की तरफ चला जाएगा, ताकि तुम नज्म कहो, ताकि तुम नज्म कहो. अच्छा, दो सबस जरा पीते है उर्दू. थैंक यू. थैंक यू. निजामुद्दीन. अच्छा अच्छा. एक्चुअली भाई साहब कह रहे हैं, तो ये मेरी फर्स्ट बुक, द फर्स्ट पोएम इन दिस बुक इज कॉल्ड निजामुद्दीन. यू नो निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन औलिया. अभी रुमाना ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी आपको मंगो पीर के बारे में. सो निजामुद्दीन औलिया इंडिया में सब जानते हैं, बहुत मशहूर सूफी बुजुर्ग हैं. तो ये मेरी किताब की पहली नज़्म जो है ये निजामुद्दीन औलिया से मैं मुखातिब हूँ, और इसमें मेरी बेचारगी झलक रही है. सो इसलिए आप चाहें तो ताली ना बजाएं. निजामुद्दीन, मैं थक गया हूं. ये देखो घर बदलते, रिस्क चुनते, राह तकते, थक गया हूं. निजामुद्दीन, ये जो कल रात मेरी नींद में आंखों को छोड़ा, तो मैं आंखें मसल कर एक सुलासी बुन रहा था, उदासी बुन रहा था, मेरे हाथों को सकता हो गया था. निजामुद्दीन, मैं थक चुका हूं, छतों पर रक्स करते, आह भरते, जीस्त करते, थक चुका हूं. थैंक यू. सो देयर सीरीज ऑफ पोएम्स कॉल्ड न्यूक्लियर वॉर, फाइव पोएम्स, बट आई एम गोइंग टू राइट टू ऑफ देम. इट्स कॉल्ड बेम्यूज्ड. ओके. So, nuclear war, number four.
Tonight I'm high on poetry and low on fear. Tonight I see death as my mate. Tonight I will create words that mean nothing and say it all. Tonight I stand tall. I know nothing, but I can read the writing on the wall. Tonight I forsake love. Tonight I'm neither a hawk nor a dove. Tonight I will not befriend second-rate writers and third-rate fighters. Tonight I will take solitude as the last frontier. Tonight I will speak so loud and so clear. So this one's called Nuclear War, number 5. All things holy, cows, wars, and mangoes. All things beautiful, cheeks, lips, and the saucy dips. All things ugly, bowels, guts, and urethras. All things poetic, women, thrushes, and the moon. All things prosaic, life, death, and torture, colonized. This particular poem is very close to my heart. It's called Fake. It's about the artist community. And I'm also a fake artist. Nah. I'm an artist as fake as my work. And I'm proud of it. I'm so friggin' proud of it. Actually, I'm so fucking proud of it. I'm an artist. I'm an artist as fake as my work, and I'm proud of it. I'm so friggin' proud of it that I feel like a total jerk, as fake as my work. I'm proud of all the acts I've put up, all the sentences I've munched on, all the full stops I've missed, all the commas I've fluffed, all the colors I've wasted, of all the poisons I've tasted, of all the places I've never been to, of all the writers I've dissed, and all the whores I've kissed. I'm an artist as fake as my work, and I'm proud of it. I'm so friggin' proud of it that I feel like a total jerk, as fake as my work. I'm proud of all the nights I've for granted, all the airheads I've befriended, all the brains I've debunked, all the hearts I've slept with, of all the numbers that I've crunched, of all the lines I've quoted, of all the note distances I've walked, of all the talk I've talked. I'm an artist as fake as my work, and I'm so proud of it. Thank you. And in case you guys have any questions, I hope you don't have any questions. Sorry? A comment. Gigi. These are not your first books. I think you should take these students to read your book. Acha. Well, I used to write a column in Karachi's Colonial Buildings and Neighborhoods. It was a very popular column. I wrote it from 2009 to 2013. The slug was Stone Age. So somebody got in touch with me and they said they wanted to compile all those articles into a book. So it's now out. It's a good book. It's called Karachi Legacies of Empires. It contains 99 or 98 of those articles. It's about Karachi's history and Karachi's colonial buildings and colonial neighborhoods, etc., etc. And Rumana likes it, so that's why I mentioned it. Should at least be in the library, in the department. Ha, if you have it, then it should be. So any questions or shall I just... But okay, thank you so much. Thank you. So everybody please settle down. She's right here. Thank you. Okay. Hi. So my name is Emaan. I do fictional satire, and I'll be reading out one of my pieces. Is the mic not okay? Yeah, so I'm going to read one out today for you. Anyway, here we go. Champa Devi's fascination with the art world started when she discovered her husband was having an affair with a much younger woman.
After stalking the other woman on Facebook and realizing that she herself was far too conservative to have an affair of her own, she decided to get into social work, helping people less privileged than her. However, she soon discovered that everyone around her was also engaged with social work. In fact, there was even a group of women who would get together every month to discuss all the fundraisers they had helped organize. Champa found this very disheartening. She wanted to feel special. There were way too many people who were self-proclaimed socialites and social workers. She wanted to support a cause that was less common in social work, but equally good for the ego. And then one day she went to an art exhibit to her best friend's gallery. She fell in love with a painting of roses and water lilies and decided to own it. She wanted to own the artist also, so she became temporary best friends with this obese artist who also happened to be a spinster with a testosterone problem. That three-week friendship made her feel a lot better about herself and her marriage, like a non-stop deep tissue ego massage. Champa became almost happy again. She also realized she couldn't divorce her husband because he was incredibly rich. And it's always better to be married, miserable, and very rich than to be divorced and almost middle class. With this artist, Champa felt needed. And being needed was important. One way to create a need is to make yourself popular. People should place high value on your presence. And one way to ensure to make sure that the demand for your presence should always be higher than the supply of your presence. Always make sure that the other person messages you far more often than you message them. Make sure they seek out your company more than they seek theirs out. One could easily spot this dynamic between the collectors and artists. From that moment onwards, she decided to become an art collector and bask herself in the attention of emotionally and financially starving artists. Her husband, guilty about the affair, started giving Champa more money than she could ever spend. She used it to get art theory tuitions from highly esteemed and internationally renowned art critic Tim Che, and then used her knowledge to accumulate contemporary art. All their friends had started collecting contemporary art and formed the Elite Art Collectors Association. If you were a part of a particular social circle and had contemporary art worth $40,000, you became a member. And the more elitist groups you were a part of, and the more art you owned, the more people envied you, and the more people envied you, the more successful and happy you would be in life. Champa also decided she will take on the mission to teach the world the difference between good art and bad art. So she started reading up on good art and the humans who produced it. Digging deep into different texts, essays, books on history, philosophy, and psychology of art, Champa emerged as a new and a better person. Armed with the knowledge and the art collector badge, Champa felt the need to put her newly acquired knowledge and experience out to the public. After all, what good is knowledge, wisdom, and wealth if one can't show it off? And the best way to show one's knowledge was to start writing. She contacted her tutor, Tim Che, who single-handedly started a revolution in the shape of an art magazine called Pakistan Art News. She decided to write mind-blowing pieces on art and life for Pakistan Art News. Getting selected as a contributor for Pakistan Art News was an easy yet monumental accomplishment, as she, with one donation, filled the magazine's financial void, which was caused by the absence of advertisers. Spending weeks writing and researching on the practical aspects of art collection, she came up with the idea of teaching women how to buy good art. Here are some of the life-altering tips. Tips on buying good art. Ensure that the artist is old or has a severe drinking problem. The higher the chances of the artist dying in the next year, the better his art is. Good paintings must always match with the sofas in the drawing room or give your drawing room an intellectual personality. Artwork must look more expensive than it really is. If the art doesn't make the collector look rich, it's not art. Artists must also look like an artist, wear paint-stained clothes, have unkempt hair. Work must show skill and originality even if it's been done before. In
order to achieve international fame, local artists must only work with a few themes: Islam, Taliban, burqas, terrorism, and Malala. The concept of the artwork must be almost impossible to comprehend. Artists must come from a very humble background. Artists must also have the ability to write long, ambiguous essays that don't necessarily have to make a point. Art should serve as a mirror to humanity, and the artist must be the messiah that delivers the message. The critic should translate the message, and the collector should reward the artist for the message. The paintings should make for riveting conversation at boring dinner parties, especially for wives of bankers who don't drink alcohol. The end. Pakistan Art News published this immensely monumental piece, and Trump made sure everyone shared it on their social media accounts. This piece was very well received and generated a lot of useless debate at dinners where everyone was secretly bored and no one trusted each other. For a month or so, Trump felt like a celebrity, but like every high, this was not meant to last. After hearing about three women, none of whom could be called seasoned art collectors, buying expensive artworks, made Trump realize how unfair life can be. Here she was, with jewelry worth 3.5 crores, three properties in Karachi, a farmhouse in Chak Shazad, a summer home in Nathia Gali, but not enough cash to purchase even a single piece of art from a high-profile artist. Being wealthy and having decent disposable income were two very different things. And both forms needed to be displayed differently, with class and minus the gaudiness. She wasn't able to attend the opening of an internationally renowned artist since it coincided with a Botox appointment. She would always go to her doctor at a time when she knew no one would be around. She told her friend she was in bed with a migraine that day. Now, most of these pieces from the show were sold at the opening, and Champa wasn't the kind of woman who would settle for another woman's leftovers. She decided to march straight to the gallery's permanent collection and buy the first painting she sees, once she gets the money from her husband, of course. That would require some gentle manipulation, and manipulation was something Champa was very good at. Ever since Champa was a pre-Peterson school girl, she had only aspired to be a rich man's trophy wife. When Champa was 16, she attended her first party. Before the party, her mother sat her down and told her how uncomfortable she was with the idea of her daughter interacting with potentially drunk boys. But this was the only way she will one day obtain a wealthy, socially coveted husband. And if she did attend these parties, other attractive females will accumulate their attention from the acceptable males, leaving Champa with nothing. Now, Champa had managed to play her cards correctly. She started dating a good-looking boy from a well-to-do family, and a year into dating, she manipulated him into marrying her by inventing other marriage proposals from richer families. Pretending to be sought after, Champa tricked her boyfriend into proposing. That's how most of Champa's friends got married. As long as you were attractive, moldable, and rich, you could easily control men. After the wedding, Champa directed most of her mental activity towards maintaining control over the husband. Times like these, she felt she was losing control over him. So, Champa decided to aim for his ego. She pointed out that they had not made an impressive purchase in a while. And people start talking if you didn't show them something impressive after every few weeks. Meanwhile, Champa's husband was a bit preoccupied these days with the current situation. Turning black money white was no easy task, especially with all the emails from financial institutions to clients about submitting updated details. It was a stressful time for a husband, his priority being protecting his assets rather than showing them off. Every day, some poor soul was getting harassed by the National Accountability Bureau. For Champa, however, these careful measures meant social isolation. So she sat her husband down. She was lucky he managed to spare 20 minutes for his wife. She explained how it's so much worse to look poor than to be actually poor. And if they don't make an addition to the art collection soon, people will start talking. Realizing how right his wife was, Champa's husband too felt the urgency to make the much-needed art purchase.
As a successful investment banker and ex-industrialist, his only passion in life was to keep increasing his net worth while finding loopholes in the system to avoid lawsuits and imprisonment. He was an excellent launderer. He was also impressed by one of his friends who had purchased a vast quantity of student work in post-haggling prices. She then framed this work and resold it for 5 times the original price at her furniture store. She used that money to collect real art. This information, like a lot of information, was supposed to remain a secret, but one day the friend's husband, after snorting 3 lines of high-quality cocaine in one go, blurted this out to his friends. A lot of wives became anti-cocaine after they found out their husbands were spilling intricately kept secrets after snorting this prestigious drug. Problems, drugs, and lack of ethics aside, the furniture store owner and her husband proudly owned 3 pieces by internationally renowned artists. They regularly bought new work and had an interior designer on speed dial to assist them in displaying their new additions in the classiest and subtly ostentatious methods. The latest acquisition, Dhara Girl, was so postmodern that even the artist said it will take her another year to understand completely what she was thinking while making the piece. The artist happens to be a postmodern feminist based in Lahore, but Sabha Girl. Champa's husband briefly considered putting Champa into the business of student work exploitation, but he wasn't too confident about women's abilities to run successful businesses, since their brains were unable to comprehend the complexity of capitalism and politics. So instead, he gave her a budget of 2 to 3 lakhs, told her to start doing her research on what the best buy would be. Now, when a husband gives his wife 3 lakhs for an art purchase, several factors need to be kept in mind. Number one, narrow down a list of internationally renowned artists whose work can be obtained in that budget. Number two, narrow down a list of artists whose work is above the budget and start a bargaining campaign with them. Number three, indirectly inform as many people as you can that you're on a lookout for a piece worth 3 lakhs, but only to people who cannot afford to spend 3 lakhs on a painting. As for the people who can spend 3 lakhs on a painting, tell them you're going to spend 6 lakhs on a painting. Number four, if the artist is young, make sure the artist is open to being adopted socially and can be used to show off to friends and family at various gatherings, and has the ability to carry strange outfits that can be spotted from the other end of a crowded dance floor. As she made a mental note of these important points, it suddenly hit her that she could easily get an anonymous artist to replicate a sadikan in just a lakh. Maybe she could get 2 sadikans copied. The only problem was that passing it off as an original would be difficult. Too many women have gotten sadikans copied from the same artist, and apparently this artist had a habit of drinking 1 whiskey's too many and spilling out his clients' list. She shuddered at people knowing that she was one of those, trying to pass an imitation as an original. But after all, a crime is just an act which becomes a crime if one gets caught. What she actually needed was another artist that nobody in the circle knew about to copy a sadikan for her. But so many people had gotten the modern master's copy that even the people with the original started constantly talking about how their fathers and uncles were always hanging out with sadikan just to prove the piece's originality. Secretly, Champa didn't find contemporary art very attractive. She wanted pretty paintings for her pretty drawing room. Contemporary art had become too intellectualized, and it was becoming impossible to keep up with the concepts. A lot of new art didn't even look expensive. Art should elevate the status of a drawing room and impress others. After all, if a painting is not hanging on a rich man's wall, is it still art? Thank you. Thank you very much, Emaan. That was very humorous, satirical, and very honest, because that's exactly what happens around. And I love the way it was put. So thank you very much. You're welcome. We need to learn to laugh at ourselves, not at others all the time. Thank you. The mic, no. I don't need that. So let me introduce myself.
I'm a maxillofacial surgeon who is an artist. I think you need a mic. Do I? The mic will help. Yeah? Can you hear me in the back? Who are you going to hear me in the back? But you went down over here. No, okay. I went down. All right then. Mr. Rumi is a friend of mine. He wants me to use a mic. Is that better? Is that better? Okay. I've given lectures to medical students. And I have taught medically orientated people. I've never sat in front of an audience of artists like this. This is my first time. So you guys have to bear with me. I'm a bit of an actor, so you'll have to sort of, you know, just. I grew up in an army background. So I'm very different to you guys because I was the son of an SSG. So hamare yahan jab kisi ko chot lagti thi, so that was no big deal. Chot lagi hai, khud hi theek kar lo. I know. So if you guys want to stop me in the middle and ask me something, just feel free, okay? So I grew up like that, and my dad was into exploring stuff. So with my mom, in the early 60s, he drove from here to Mecca to perform Hajj. So we went all the way by road through Iran, Kuwait, Saudi Arabia, and back in the 60s, right? So, mere to khoon mein hai. Plus, I'm also a descendant of a family jiske andar Urdu jo hai na, wo ghut ghut ke bhari hui hai. So I'm a great grandson of Dipti Nazir Ahmed, and he was the first Urdu novelist. And he translated the English Penal Code and the tarjuma of the Quran that you read in Urdu. Mere ne ye nahi aaya kuch bhi. Thoda bahut hai. So my exploration ka jo shauk tha na, wo mere dad se shuru hua. And as a young kid, we used to travel from Lahore, where we were based, to Karachi every summer by road. So I'm searching. I was born in 1956, that is like a dinosaur's age, you know, as far as you guys are concerned. Anyway, we used to go back and forth, excuse my quote. So, we used to sort of, no, one of my teachers used to say, you ACDC in ACDC, or you speak English or Urdu. But that's me. So, we were shocked to drive cars. So, I went to England in the 70s, and I trained there as a max spec surgeon, which is a person who deals with the head and neck trauma and fixes faces like that. It's a bit of an artist, you know. Anyway, so when I came back, life got very monotonous in England. Now, when you get up to a stage where everything becomes the same and there's nothing more, because jo bhi trauma aata hai, jo bhi operations hote hain, wo to ek hi jaise hote hain, it becomes monotonous. And somebody like me, I couldn't stand that. So I thought, I'm going to go back to Pakistan and I'm going to see how I fare there. Ek badi interesting cheez hai, jo creative log hote hain na, और जो एंटरप्रेनर्स होते हैं, जो एक्सप्लोरर्स होते हैं, वो उनका फॉल्ट नहीं होता, इट्स बिल्ट इन इन देम, यू नो, इट्स जस्ट बिल्ट इन देम, यू नो हाउ, इट्स टू डू विद जेनेटिक्स, इट्स कॉल्ड द DRG47R जीन, दैट इज द जीन व्हिच 10% ऑफ द पॉपुलेशन हैज, एंड दैट 10% is responsible for the human migration jo Africa se hui. And that 10% is the guy who wants to know what's on the other side of that mountain. I'm not sticking in, I want to go and see what's on that other side. So unfortunately wo jeans bhari hui hai, ghar mein dikh nahi sakte na, restless. So, कुछ दोस्त हम ना
एक जैसे हैं, एक पीछे बैठे हैं वो, कुछ एक जैसे हैं, तो हमको बहुत शौक है एक्सप्लोर करने का, इधर जाने का उधर जाने का ना. एंड इन दीज एक्सप्लोरेशंस या expeditions, because they are like expeditions, I've had some very, very interesting and weird experiences, and one of them I'm going to share with you, because I have plenty. So, this is like a campfire story. So you imagine, okay, you imagine with me that you're sitting with tents around you and you have a campfire going there. And उसकी आग जो है ना भड़क रही है ऐसे, आस पास बड़े बड़े दरख्त, lush green meadows. How many of you have seen our north? Raise your hands. That is so unfortunate. दो out of so many. उसका जो grandeur है ना, वो आप explain नहीं कर सकते, वीडियो उसको दिखा नहीं सकते, तस्वीरें उसकी जो एनॉर्मिटी है उसको कैप्चर नहीं कर सकती. मैं कोशिश करूंगा आपको वहां लेके जाऊं अपने साथ. इट्स जस्ट फैसिनेटिंग, इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग. ये जो स्विस माउंटेन्स हैं जिनकी इतनी बड़े बड़े नाम है, इतने सब कुछ है ना, देयर लाइक वी गॉट लाइक 15,000 ऑफ देम ऑन एवरी रेंज. हमारे यहां दो रेंजेस हैं, हिमालयस विच आर ग्रीन एंड द काराकोरम्स विच आर ब्लैक. कारा मीन्स ब्लैक इन चाइनीज एंड कुरम मीन्स माउंटेन, सो दे आर कॉल्ड द ब्लैक माउंटेन्स. और वो एक्सेसिबल नहीं थे पहले, क्योंकि एज के बाद एक्सेसिबल हुए. एंड आप लोग अगर नॉर्थ नहीं गए, मरी नहीं गए, नथिया गली नहीं गए, आपने कुछ नहीं देखा. Anyway, now you're sitting with me near a campfire, and I want to tell you this. Some four friends, बच्चों की छुट्टियों में, we plan to travel up north and go and hit the boonies, जहाँ कोई नहीं जाता. वहाँ जाके देखें वहाँ क्या है. तो यहाँ से हम निकले ना, तो हमारी हम सारे 4x4 choking. So I'm talking about the 19 early 90s. This is before the Land Cruiser era. So उस ज़माने में जीपें नहीं थीं, सिर्फ वो जीपें थीं जो actual jeeps हैं, right? अब उनको हम prepare करते हैं, उसको 2 inch raise करना है, क्योंकि हमने ऐसी जगहों पे जाना है कि जहाँ सड़कें तो हैं नहीं, तो आप जाएंगे कैसे? उसको raise करते हैं. उसके अंदर विंचेस लगाते हैं, उसकी सस्पेंशन बेटर करते हैं, वगैरह वगैरह. एंड दैट्स अनदर वो. तो वी ड्राइव आउट ऑफ कराची एंड माय वाइफ इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी एंड तीन बच्चे जो हैं, उनमें से जो सबसे बड़ा है ना, वो मेरे ख्याल से 12 साल का था. तीन बच्चे पीछे बैठे हैं, दो सॉफ्ट टॉप जीप है, कपड़े की छत है, हार्ड टॉप नहीं, इसलिए क्योंकि जब आप बाहर निकले तो कपड़ा जब उतारे उसका, तो आप पूरी सराउंडिंग्स के साथ मिले रहो, सो द सराउंडिंग्स आर लाइक जस्ट नेक्स्ट टू यू. सो शीशे के बाहर देखना ऐसी गाड़ी की से जो कि बंद हो और ओपन जीप में, बहुत फर्क. तो अब आप मेरी पैसेंजर, ओपन यू सिटिंग नेक्स्ट टू मी नाउ, सो ट्रैवल विद मी. सो हम कराची से बाहर निकले एंड थोड़ा सा आगे गए होंगे, तो DHA का वो आता है जो इनका बहुत बड़ी स्कीम है, हाउसिंग स्कीम जो है आपने देखी होगी, उस पर एक चढ़ाई है. तो मेरी गाड़ी जैसे जा रही है ना, चलते 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 चलते, तो उस पर पत्थर रखा हुआ था. वो जब ट्रक खराब हो जाती है ना, तो उसकी साइड पे पत्थर रख देते हैं, ट्रक तो ले गया पत्थर भाई. मेरी गाड़ी जो सीधी गई ऊपर से उसके, क्योंकि वो तो 2 inch रेस्ड है, एकदम से मुझे ना ऐसे कुछ लगा जैसे टास करके आवाज आई हो ना, तुम क्यों गिर गए? मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं. वो जो आवाज आई ना, तो आई जस्ट लुक टू माय वाइफ एंड आई सेड ये क्या हुआ. एंड माय वाइफ जस्ट सॉर्ट ऑफ टर्न्ड अराउंड टू मी, हमारी गाड़ी नहीं है,
My wife's English. She can speak Urdu but with an accent. Hamari gaadi nahi hai, peeche tha. Peeche maine jo sheeshe mein dekha to ek gaadi aa rahi thi. Marbala. Uske peeche dhuaan ho rahe hai na. मैं तो पत्थर पे चला जा रहा हूँ, वो देखने आ रहा था कि ये कौन जा रहा है आगे ना, उसी गाड़ी में पत्थर पे चढ़ी, पिछला टैंक फट गया उसका पेट्रोल का। खैर हमने रोक के उनको हेल्प किया, चले आगे। अब लाहौर पहुंचे, अब आप सोचें ऐसी जुलाई का महीना 50 डिग्री, मुल्तान के पास गाड़ी चलते 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 दोनों से झटका मारती पीछे, कि क्या हो गया भाई, अच्छी खासी तो जा रही थी अभी, सड़क का टारकोल पिघला हुआ, तो जो पहिया टारकोल के अंदर जाना तो एकदम से झटका मार रहा पीछे, क्योंकि वो पिघला हुआ था, पकड़ने का टायर को, चलो कोई नहीं गाड़ी नहीं है, सड़क है। सुनकर अब तो इस्लामाबाद थकार के बिल्कुल जीरो, दो दिन का वहां रेस्ट किया, देन वी ट्रैवल आउट टूवर्ड्स द नॉर्थ। सो जो केकेएच है ना, वो एबटाबाद से होती हुई बीशाम एक जगह है, वहां से फिर वो पहाड़ों में घुसना शुरू हो जाती है, और वो पहाड़ बड़े अजीब किस्म के हैं। पहले तो देर इज लाइक वेजिटेशन एंड श्रबरी, साथ में नाला बह रहा है विच इज द दरिया, एंड इट इज लाइक माइंड ब्लोइंग फास्ट, इट गोज विद अ स्पीड एंड मेक्स अ साउंड विच विल स्केयर एनीवन, यू विल बी अस्टर्ड। अभी दरिया से हम क्रॉस करते हुए ऊपर गए, तो इस दफा ना चित्राल जा रहे, चित्राल का नाम सुना किसी ने, है ना, वहां कैलाश लोग रहते हैं, सपोज टू बी डिसेंडेंट्स ऑफ अलेक्जेंडर, क्योंकि वो हरी हरी आंखें, नीली नीली आंखें, ब्राउन, मतलब यू कैन टेल दैट दीज आर नॉट इंडिजिनस, दे वर माइग्रेटेड फ्रॉम सम अदर प्लेस। खैर हम चित्राल जब जाते हैं ना, तो यू क्रॉस द टॉप जिसकी अब सुरंग बन गई, उसको लोहारी टॉप कहते हैं। सो एकदम सड़क जो है ना, वो चलते 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 ऐसे ऊपर होती जाती, ऊपर होती जाती, ऊपर होती जाती, ऊपर होती जाती है, और गाड़ी इतना जोर मारती है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाती है ना, तो हवा की डेंसिटी कम होनी शुरू हो जाती, ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाती, तो गाड़ी में जान ही नहीं रहती, पेट्रोल को तो ऑक्सीजन चाहिए ना जोर लगाने के लिए, यानी वहां ऊपर चढ़ गए हम। जब आप नीचे उतरते हैं, हेयरपिन बेंड्स एंड दे आर जस्ट अनबिलीवेबली स्केरी, क्योंकि गियर में तो गाड़ी चलती ही नहीं है, वो तो लौटना शुरू हो जाती है, तो उसको ब्रेक दबा के रखना पड़ता है, जब आप ब्रेक दबा के रखें तो वो उसकी जो ब्रेक की रिंग्स हैं गर्म होनी शुरू हो जाती है, तो थोड़े अरसे बाद वो ब्रेक पकड़ना छोड़ देती है। अब आप 13,000 फुट से नीचे जा रहे हैं, हेयरपिन बेंड्स, and you can see those hairpin bends right down to the valley, and that valley is lush green, इधर plateaus हैं जिन जो man made हैं, okay, उन्होंने सड़क उन्होंने काटे हुए हैं, क्या कहते हैं पहाड़, जिसके अंदर उन्होंने वेजिटेशन लगाई हुई, तो ग्रीन ऐसे लगता है कारपेट्स बिछे हुए हैं ऐसे लग, और साइड में ऊंचे ऊंचे माउंटेन हैं, दूर त्रिच में नजर आता है जिसके ऊपर बर्फ पड़ी हुई, दिस इज इन जुलाई, ओके, सो बड़ी मुश्किलों से लोग आते भी गॉट टू चित्राल, वहां थोड़ी टिकना है, बिकॉज द DRD 47 और इससे उधर आ गई है। सो वहां एक जगह का नाम है गर्म चश्मा, चित्राल भी बहुत खूबसूरत जगह है, छोटी सी वैली है जहां एयरपोर्ट, दैट इज प्रॉब्लम ओनली एयरोड्रोम जहां से जहाज को यू टर्न लेके आना पड़ता है बिटवीन द माउंटेन्स, एंड बहुत कम पायलट्स हैं जो ट्रेन है उसके अंदर आने के लिए, एक हमारी फीमेल पायलट है अभी ETIA में जो कि वो करती है, और उस जमाने में फोकर फ्रेंडशिप चला करते थे, तो ये मैं बात कर रहा हूँ 90s की। अभी हम चित्राल से वी गो टुवर्ड्स गरम चश्मा, व्हाई इज इट कॉल्ड गरम चश्मा, इज बिकॉज इट्स अ गीजर,
the pahad ke andar se na geezer garam pani nikal raha usme se na, so it's like hot water coming out of the and that hot water can scald you, it's that garam, jaan lagao na jal jayega. वहां से लोगों ने पाइप्स लगा के अपने जो नीचे सेटलमेंट्स हैं वहां तक वो लेके जाते हैं. सो कि दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं एंड देयर इज सम पहाड़ जिनके ऊपर बर्फ जमी हुई. ओके एंड अखरोट के दरख्त हैं. इफ यू गाइस हैव नॉट सीन अखरोट का दरख्त, इज वन ऑफ द मोस्ट फैबुलस ट्रीज यू कैन सी. पुराने पुराने दरख्त, बड़े बड़े तने जिसके अंदर दो आदमी भी अगर ऐसे करे ना उसके तने को नहीं पकड़ सकते, इतने बड़े बड़े दरख्त ऊंचे ऊंचे बहुत घने दरख्त हैं और उसकी जो द वुड हैज गॉट ग्रेन व्हिच इज जस्ट अनबिलीवेबल. ये जो ग्रेन है ना ये फर्नीचर में इस्तेमाल होती है क्योंकि वुड पहचानी जाती है ग्रेन से. एनीवे अभी हम आगे जा रहे हैं. अब वो जो सड़क है ना वो पक्की होते 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 पक्की सड़क खत्म. नाउ यू आर ऑन अ डर्ट ट्रैक. So that dirt track is really the track which is made by the shovel. वो शवल के साथ ट्रैक्टर के पीछे बांध के उसको साफ करते रहते हैं और वहां लैंडस्लाइड होती है. बच्चे समेत बीवी साथ चार दोस्त हम चार गाड़ियों में go up past that river साथ चलता है. मजेदार बात यह कि जहाँ वो रहे वो इन द नॉर्थ डिजर्व इज रेड नेक्स्ट डी एंड इट्स फैसिनेटिंग स्पीड पे चल रहा होता है. अभी आगे गए तो वी गेट टू व्हाट इज कॉल्ड द बकाम कॉरिडोर. दैट इज द एंड ऑफ पाकिस्तान राइट. सो हमको वहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो गई. सो बड़े बड़े दरख्त थे साइडों में एंड देयर इज अ मेडो. यू नो व्हाट अ मेडो इज. It's like a plateau with green grass and flowers, and it's just amazing to see the flowers there because wo wild flowers grow karte hain. Us height ke upar lavender hota hai to gaadi jab lavender pe se guzarti hai na uski khushboo is just unbelievable. To jagah pe main route zara sa khula nazar aaya to we stopped there and when we stopped we saw a little fort on one side. Dur na a fort. Ye fort kis cheez ka hai? Not concrete. There's no concrete there because we are out in the boonies now. Okay, the civilization jo kareeb hai, that's about maybe 60-70 kilometers piche. So we break down, we've had it right. The fort mein se ek aadmi hamare paas aaya, kehne laga sahab yahan idhar nahi lagana, udhar laga lo. Kisi yahan kyon nahi lagana, abhi hum tent nikal ke usko lagane ki shuru hi kar rahe the. Kehne niche ammunition dump hai. That is our border. That fort was our last post. उन्होंने जो अपना एमिनेशन होता है वो फोर्ट के अंदर नहीं रखते, वो बाहर रखते हैं और ऐसी जगहों पे रखते हैं कि एनिमी को पता ना चले कि कहाँ है. सो दैट दे कैन एक्सेस इट इफ गॉड फॉरबिड देयर इज अ अटैक ऑन देम एंड दे आर डिस्पर्स्ड. वो बच गए. देन वी गो एंड ट्रैक बैक एंड वी फाइंड अ मेडो व्हिच इज वेरी क्लोज टू द रिवर. अभी वो रिवर के साथ हमने कैंप लगाया. तीन दिन कैंप करेंगे. सो नाउ इमेजिन एक कैंप लगाया, दूसरा कैंप लगाया, तीसरा कैंप लगाया, चौथा कैंप लगाया. गाड़ियां आसपास खड़ी हैं, बीच में बॉन फायर चल रहा है ना एंड द वुमेन लाइक टू कुक. सो दे हैव ऑल देयर सामान ऑफ पराठाज एंड आटा एंड ऑल द कुकिंग स्टफ दैट यू नीड. अब तो हम लोग भी बहुत तेज हो गए बट किचन अलग लगाते हैं एंड वी ट्राई नॉट टू थ्रो आर रबिश इधर उधर बिकॉज हम तो दो दिन के अंदर चित्राल से वहां पहुंच गए. माइंड सेट इज स्टिल वी आर सिटिंग इन आर गार्डन. चित्राल के गार्डन में बैठे हुए वी डोंट रियलाइज दैट वी आर आउट इन द बूनीज एट अबाउट अ हाइट ऑफ लाइक 13,000 जहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाती है. तो यहाँ से चलो ना वहाँ तक सांस फूल जाता है. यू हैव टू बी रियली गुड फिट अदरवाइज यू वेयर इट. एनी वे टेंट लगाया. इतनी खूबसूरत जगह, चारों तरफ दरख और ग्रीन ग्रास है. उसके ऊपर चलो तो ऐसे लगे जैसे फेल्ट पे चल रहा हो आदमी.
because it's soggy hoti hai, wahan barish hoti hai, so the ground is so wet, it doesn't absorb the water. So kuch jagahon pe it's waterlogged, and some places are sort of dry. So we pick up a place which is like a higher ground. Okay, kabhi camp lagaya hua, pehli raat ko itna maza aaya na, aag jalai, aapas mein baithe khoob gappe lagaye. Uske baad it started to rain. Now we were in a tent, we were kids, and my daughter is asthmatic and there is no oxygen out there. So she starts to have an asthmatic issue. Pehli raat ko usko control kar liya. Dusri raat ko khana mana pakaya, ye wo sab baithe hain. So drizzling. So can you imagine that night is pitch dark. It's only the light of the campfire, yeah, the torches that you have. Now I'm talking about the 1990s. So there's no LED. It's the bulb ki torch. Wo yahan se maro wahan tak jati. Bas. That's it. But we have those mag lights. Us zamane mein unka bahut rivaj tha mag lights ka. Door mara karti thi. To wo mag light. Abhi jab main outdoors jata hu na, तो वो कहते हैं ना, यू नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, है ना? दैट अप्लाइज टू मी, बिकॉज़ अभी तो आप मुझे ऐसे देख रहे ना, इफ यू सी मी इन माय आउटडोर गियर यू विल बी लाइक ये कौन है? हर किस्म के गैजेट लगे होते इधर उधर, बिकॉज़ ओवर द इयर्स यू लर्नड दैट जब आप फंसते हैं कहीं तो आपको जो चीजें काम आती हैं वो आपके ऊपर होनी चाहिए, कैंप साइट पे नहीं होनी चाहिए. एनीवे हल्की हल्की बारिश हो रही है, आग नहीं घुसती उसके अंदर, क्योंकि वो लकड़ी इतनी सूखी है कि जब उसके ऊपर बारिश गिरती है ना तो वो आग बंद नहीं होती. अमेजिंग. एंड द स्मेल ऑफ इट, वो जो लकड़ी की स्मेल है, इट्स लाइक परफ्यूम, इट्स सो नाइस दैट यू नो यू वुड लाइक टू सिट नेक्स्ट टू दैट फायर. सर्दी पड़ रही है जुलाई में, 13,000 पे जाओ, 7 बर्फ. तो जहां में कैंप लगाया हुआ था ना, उसके एक साइड में पहाड़ चढ़ रहा था, तो बिल्कुल उसके नीचे ऐसे दरिया, और वो दरिया जो है ना, वहां जितना ऊपर जाते जाओ उसका फ्लो उतना तेज होता जाता है, क्योंकि वो है उसका स्लोप ज्यादा बढ़ जाता है एंड छोटा होता जाता है, क्योंकि ये सारी ट्रिब्यूटरीज मिलकर नीचे जाकर दरिया में मिलती है. तो वो छोटी सी ट्रिब्यूटरी थी जो वहां से गुजर रही थी ना, उसके साथ हमने कैंप लगाया हुआ था. अगले दिन सुबह को मैंने उठ के कहा, यार 3 दिन हो गए, मैं तो नहाया नहीं हूं, मैं तो जा रहा हूं नहाने. I can't stand it because I'm one of those who can't wake up if you haven't had a shower. So it's like all day you're like walking like this, which is not really good for you. So मैंने तो मग्गा पकड़ा, पता क्या गलती की, ये तो सोचा नहीं कि पानी का टेम्परेचर क्या होगा, है ना? So I'm right at the river now. Campsite to the rest is pretty dur. Right at the river. Oh, itna achhi hawa chal rahi, itni zabardast mausam hua hai. Suraj nikla hua hai. Band kar do isko. Band nahi karna aata. Okay, band. Pehle chalo. And wo care kaun dekh raha hai, kaun nahi dekh raha. Kapde utte utar maar baith gaya. Pani ke andar paon jo aise rakha na, so I'm like, really? Do you really want to do this? I said, koi baat nahi, I'll do that. Thanda pani daala, itni zor ki cheekh mari, ye pata nahi kahan tak gayi hogi. Khoob pani daala. Tera ek aur, ye jo itne hamare lambe baal wale dost hai na, inko, I'm put shampoo on sir. Sir, maan liya? I carry all the creams that you want to, yeah? Shampoo लगाया ना, खूब अच्छी तरह. Shampoo को पता क्या होता है? ठंडे पानी से. Shampoo के ऊपर ऐसे पानी डाला, बाल ऐसे खड़े हो गए. Shampoo जम गया. साबुन जम गया. अब मैं अकेला हूं मां.
And I'm like, ab kya karunga? Usi tarah toliya bandha can't pay wapis. And you know, wives jo hoti hai na, unko pehle se pata chal jata hai, pata nahi kya mushkil hai ye. She could tell from the way I was walking back, what have you done now? Kuch nahi yaar, wo shampoo tha mujhe garam ko pani, pani garam kiya. And then pour the water on shampoo, badi mushkil se utara. Anyway, utar gaya shampoo. Subah ko fishing kar rahe. Right. Ab fishing jo hai na, bada art hai ye. इसलिए क्योंकि दरिया का फ्लो बहुत तेज है और ट्राउट अगर आपने पकड़नी है ना तो आपको अगेंस्ट वो नहीं फेंकना स्पिनर, यू हैव टू गो विद द फ्लो. सो यू थ्रो द स्पिनर जहां से फ्लो आ रहा है एंड देन यू हैव टू रील इट इन सो फास्ट कि जो पानी है उससे तेज स्पीड में द स्पिनर शुड मूव बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग दैट द स्पिनर स्पिन्स एंड इफ यू आर नॉट फास्ट इनफ it will just float. With the trout is only going to bite if the spinner goes like that. Lo ji. Pure din mein do. I'm like, you know, it's like madness. Itna ek dost hai, usko maine ek spinner diya. Aaye mere paas. Toot gaya, phas ke usme. Usme wo har kisam ke patthar hai, toot gaya. Ye lo. So I gave him a spinner. वो क्या करते हैं बजाय ये कि खुद पकड़े, लेजी होते हैं ना कुछ लोग, बजाय ये कि खुद पकड़े. तो जो दूर गांव था ना उसमें उनको आवाजें गई कि यहाँ तो कोई रात को गाने बजा रहा था, रात को तो यहाँ यू नो पिंक फ्लैट बज रहा था, यहाँ ये कौन है? तो वो बच्चे जो थे गांव के ना देखे एंड ही सीन दिस गाय ट्राई टू फिश. तो इसे इसके अंकल मुझे थे मैं करता हूँ. You know what a spinner is like? The spinner has got three prongs at the back and it's got three hooks. And then it's got a little metal bit which goes round and round like that when you reel it in. उसने जो ऐसे करके स्पिनर फेंका है ना, he didn't know how to unlatch it. तो वो होता क्या है, वो जो आपकी रील है वो लॉक हो जाती है. तो जितनी स्ट्रिंग निकली हुई है ना उतनी जाती है और फिर ऐसे करके सीधा वापस आपके ऊपर. सो वो जो स्पिनर था ना वो यूं करके घूम के आया सीधा हाथ के अंदर. नाउ दिस 12 ईयर ओल्ड गर्ल स्पिनर स्टक इन हियर. हां कुछ मेरे ने दोस्त को कहा इसको दिया क्यों था भाई तुमने, आई मीन यू नो दिस इज नॉट समथिंग यू प्ले अराउंड विद, व्हाई आर यू गिविंग इट टू हिम? अभी मुझसे कह रहे उसको निकालो इधर. सो वी आर नोवेयर मैन, उसके कांटे फंसे गए हैं, उसको कैसे निकालेंगे भाई? इट्स नॉट इजी टू टेक दैट आउट. So, ऐसी चीजें होती हैं. तो आई एम सर्जन, सो आई हैव अ लिटिल बॉक्स व्हिच आई कॉल माय ब्लैक बॉक्स. उसके अंदर सारे टांके मांके ये वो सब कुछ ना. तो मैंने सुबह बैठ अपनी मैंने हेडलाइट लगाई है, मैं सामने बैठ जाए इधर हिली ना. एंड दोस दैट किड डिडंट मूव. उसने हाथ ऐसे दिया मुझे ये करके एंड ही डिडंट मूव. अब अगर आप इस हाथ को ऐसे देखेंगे आपको शरियाने नजर आ रही है. मेरी शरियान पता क्या होती है? ये देखिए नजर आ रही है, इसके बीच में से गुजरा हुआ हूँ. अभी ना मेरे पास वहां इलेक्ट्रोकोटरी, ना मेरे पास वहां ऐसी चीजें जिनको हम क्लिप कर सकें. तो जो छोटा मोटा मेरे पास सामान होता है टू डू ना, हड्डियां वड्डियां टूटती हैं हमारे वहां लोगों की, सुनते नहीं ना. तो यंगर एज ग्रुप इज टेरेबल सर. आप इनको समझाने की कोशिश करें, इधर नहीं जाना प्लीज, वहीं जाइए. डोंट गो देयर, यू विल गेट इन ट्रबल. दिस वाइट हेयर गाय इज टेलिंग यू देयर इज ट्रबल देयर, डोंट गो देयर. नो, आई एम लुकिंग दिस वे, देयर ऑन दैट साइड. है ना? सो दैट्स हाउ यू लर्न. आई नो सम लर्न विद डिफिकल्टी, सम लर्न बाय लिसनिंग टू देयर एल्डर्स. सो आई सजेस्ट यू लिसन टू योर एल्डर्स. सो एनीवे, ये रूल अगले 5 मिनट तक खत्म करें आप, मैं तो सारी रात लगा रहूंगा. एनीवे उसका स्पिनर निकाल दिया. अब रात को हम इस पे बैठे हैं एंड माय डॉटर हैज एन एस्थमेटिक अटैक.
So I'm fixing the nebulizer that I have inside the tent. And pitch dark, sirf light aag thi na. So one of our women, hum log tents jab lagate hain, so we put a potty tent out there, right, out in the distance na. Wo pahar ke bilkul edge pe. Thand ho rahi, halki halki barish gir rahi hai. And she's gone to the loo. So I'm just inside trying to fix this na, ki ye kisi tarah na isko wo asthma ka wo pura attack na ho, mujhe isko teeke na lagane pade to nebulize kar dun usko main. And suddenly I hear this blood curdling scream of a woman. That's how my mind works. So थोड़ी देर में ना मुझे थोड़ी देर सारी दोस्त हैं वो पता नहीं क्या समझ की मैं गॉड से उतरा हुआ नहीं थी कि वो थोड़ी ही फिक्स है थी ना I can't fix things man. I mean this is not that नहीं कि वो हर चीज ठीक कर देगा. And one of my friends shouts, Tony Mano! So I come outside, and this woman is staggering. Right? She's walking from the loop, she's staggering, coming up to where the fire is, and she's saying, shit, 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 shit. That's not what she can say. She's totally gone loco. Loco. Okay? And वो सेंसी बोल रही क्या हुआ भाई क्या हुआ भाई इतने कहीं से बोले क्या हुआ क्या हुआ she 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 and her heart almost on the back वो सारे जितने हैं उन सारों की ऐसी तैसी बोली वो बच्चे अलग you know what's going on here he's going she she I said what did you see बाहर शेर बाहर शेर वो बीमारी थी ना आपका वो पका रहे थे उसके अंदर वो तो नहीं थी शेर बैठा यहाँ का तो शेर आ गया क्या वो शेर बैठ नहीं होगा मैं कह रही हूँ शेर बैठ अच्छा ठीक है ये होगी कुछ तो होगा ना तो मैं वहां चलने शुरू हुआ एंड शी ग्रैब्ड मी बाय माय बैग एंड पुल्ड मी बैक कहाँ जा रहे हो भाई मैंने कहा शेर बैठा लेकिन मैंने चेक शेर बैठा ये नहीं आई बिलोंग टू फैमिली ऑफ हंटर्स सो वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ अ यू नो क्रेजी पिक्चर तो मैंने कहा चलो मैं लाइक मैं ये से रही कुछ भी नहीं है मैं कहा दिखा दी है मैं कहा कि दिखा दी बारिश की दोनों जगह वो तो रोशनी में आ रही है अगर दिखा दी नहीं बिकॉज वो लाइट तो पी गई वो उसकी क्या देते हैं अपने अभी सर्दी होती है तो मैंने कहा सारी एक जगह रहो भाई ये बच्चे कहाँ हैं तो सबको एक जगह रहो कौन है ना मुंह अब खरे खरे इतना सेटलिंग हो रहा है ये इस समथिंग नॉट राइट है सो वन ऑफ अस हैज अ 9/11 एपिसोड जो कि खबरदार चीज में गोली चलाई होगी ओके अ वांटेड एनिमल इज फार मोर डेंजरस than an inquisitive animal. Do not shoot. We are imagining it. Are you ready? तीन आदमी सामने बीबियां पीछे हैं उनके साथ बच्चे हैं All vehicles are soft top. None of them is a hard top vehicle. Okay? So किसी को छुपा भी नहीं सकते तो शेर ने तो एक पंजा मारना है तो वो घुस जाएगा टेंट में उसको मारना है जहां वो जगह है ना जहां उसने देखा था उसे वो लुकिंग है दैट साइड में ऐसे इतने ऐसे वो टाइप दिखाई दे अभी शहर से गए थे लोग तो होते ना वो थोड़े से समझते हैं अपने आप को तो वो पता नहीं कहां से उठ गए एक साथ कहते हैं मैं जा रहा हूं देखने इसको वही तो नहीं जा सकते यार इधर ही रहो बिकॉज अकेला आदमी यू डोंट नो एक है दो है पैक में है फीमेल है मेल है बिहेवियर फर्क होते हैं फीमेल इस पैक में हंट करती है मेल अकेला इन्वेस्टिगेट करेगा कौन है मुझे तो पता भी नहीं कौन है कि अगर शेर कह दिया तो शेर तो होगा लेकिन यहाँ शेर कहाँ से आ गया मुझे नहीं समझ आ रहा शेर कहाँ से आ गया
and there are just 20. There are many. This is the Bakal corridor. We are on 13,000 feet. There is no village anywhere. This is out of beyond. And there are mountain lions here. It's called the snow leopard. And I think, maybe. सिर्फ की चादर हवा में ऐसे जैसे लहराए ना, that's how it moves. It just moves in a silky motion like that. So इसका थर्ड मूव नहीं करता, इसे टांगे मूव करता, and it's a beautiful walk. It just goes like that. So see something white move, like this one. Oh my God, तो फंस गए. सारी एक जगह पे सारी रात जाते रहे, एक का मुशरफ, एक का मुशरफ, एक का मुशरफ, एक का मुशरफ, औरतें इसमें अट जाओ हिलना नहीं आते, बच्चे पीछे मैडम जितने कंबल वंबल है सब डाले उनके ऊपर, हिलना नहीं, टेंट में कोई नहीं रहेगा, आप जल्दी ना आपके पास नहीं आएगा. ओके, सुबह तो हो किसी तरह मिला है, किसी को नींद नहीं आई, यू ऑल स्टेड अप इन द मॉर्निंग. इट्स लाइक ऐसे जैसे कुछ वेट नो, हमारी आंखें तो दिन में देखती है ना, कैट्स ड्यूरिंग द नाइट, द नाइट में आते हैं. एनीवे यहां हम गए थे वहां हम मास्टर चेक द पकवान्स एंड वी टू फोटोग्राफ्स ऑफ दोस पकवान्स राइट. रात को किसी उठाल में आया, वीडियो कैमरा था, सब कुछ है, कुछ तो वीडियो कर लेते यार, कुछ तो नजर आता. एनी वे वी गॉट टू पक मार्क्स देयर, सो वी कम बैक टू चित्रा. कैसे लगा आपको? वी रन आउट ऑफ टाइम. या ओके, वी हैव ऑल राइट दिस टू सेकंड्स, सो वी कम बैक टू चित्रा एंड वी शो दोस पक मार्क्स एंड श्योर नॉट दैट वाज सो नॉट. And so we did documentary two ways that I thought of the whole. 4 weeks ago, I spotted another one of my videos camping in the little village, but this time we had cameras and we had video. We got it on video. Very nice.